इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। बेबी, क्या तुम्हें ये आधी रात को बीच सड़क पे फोटो लेने की सूझी? तुम भी ना कभी कभी हद ही कर देते हो। अरे रुको तो सही, लम्हे बनाने से बनते हैं, और वैसे भी तुम्हारी हमारी आखिरी फोटो है। आखिरी फोटो? हाँ, नहीं तो क्या, तुम मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ आज रात के लिए ही हो, कल से तो तुम मेरी पत्नी बन जाओगी ना। तुम भी ना आदर्श, कभी नहीं सुधरोगे। अच्छा अब जल्दी करो, घर भी तो जाना है। अरे बाबा एक मिनट, लगता है फोन गाड़ी में भूल गया मैं, अभी लेकर आया। इतना कहकर आदर्श उस लड़की को बीच सड़क पर छोड़ कुछ ही दूर पर खड़ी अपनी कार में बैठ मोबाइल ढूंढ ही रहा था कि अचानक ये कार तेज रफ्तार से दंदनाती हुई सामने से आ रही थी। कार की हाई बीम हेडलाइट को देख आदर्श की आंखें चौंधे आ गईं, और फिर हॉर्न की आवाज के साथ किसी लड़की के चीखने की आवाज आई, जिसे सुना आदर्श बुत बन गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, उसने डरते हुए पैर कार से बाहर रखे ही थे कि रोड पर बिखरा खून देख उसकी सांसें थम सी गईं, क्योंकि जिस जिस्म से वो खून बह रहा था कुछ घंटों पहले, वही जिस्म आदर्श की बाहों में हिचकोले ले रहा था। आदर्श तड़पते हुए तुरंत उस लड़की के पास गया जिसे वो बीच सड़क में छोड़कर आया था, और कार से एक्सीडेंट हो अब वो एक लाश बन चुकी थी, जिसे अपनी गोद में भर आदर्श बेतहाशा चीख चीख कर रो रहा था। 5 साल बाद 30 साल का आदर्श तेज रफ्तार से कार चलाता हुआ उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां 5 साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था। न जाने क्यों आज भी जब जब वो उस रास्ते से गुजरता है उसे सड़क पर खून नजर आता है, मगर अब वो अपनी कार को धीरे नहीं करता, बस बेमन से रास्ते से गुजर रहा था। उसका ध्यान अभी सड़क पर ही था कि अचानक ही एक लड़की उसकी कार के सामने आ गई। इससे पहले कि वो ब्रेक मारकर उस लड़की को बचा पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोर से टक्कर होने की वजह से वो लड़की दूर जा गिरी, गाड़ी रोक आदर्श बाहर आया और एक्सीडेंट से जख्मी हुई लड़की की ओर दौड़ पड़ा। पास जाने पर पता चला कि लड़की का चेहरा पूरी तरह से खून में सन गया था, जिससे उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। आदर्श ने जब उसकी नब्ज चेक की तो उसे महसूस हो गया था कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। उसने तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन कर एक्सीडेंट वाली जगह पर आने को बोल दिया, और खुद कार से पानी निकाल उस लड़की को पिलाने वापस आया ही था कि देखा वहां कोई नहीं है। डर के मारे आदर्श का खून सूखने को हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसे बहुत जोर से ठंड लगने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है, एक जख्मी लड़की भला खुद से कहां जा सकती है? आदर्श ने खुद से बस इतना कहा और वापस अपनी कार की ओर दौड़ पड़ा। उसने कार चलानी शुरू ही की थी कि उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि एक लड़की खून से लथपथ रोड के बीचों बीच खड़ी उसे ही देख रही थी। पर आदर्श अब रुका नहीं और सीधा घर आ गया। वो अपनी पत्नी से आज के हादसे के बारे में बताने ही जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी आदर्श को जबरदस्ती मिठाई खिलाते हुए कहती है, आदर्श मैंने हमारे लिए मेड ढूंढ ली है, और हाँ वो हमारे साथ ही रहेगी जब तक कि मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती। हाँ मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। इतना कहकर वो आदर्श की पत्नी कनिका उसका हाथ थाम उसे किचन में ले गई, जहाँ मेड पहले से ही किचन में बर्तन धो रही थी। आदर्श ये है मोनिका। मोनिका का नाम सुनते ही आदर्श के पैर चौं से गए। इस पर जब आदर्श ने मोनिका को देखा तो उसकी तो हवाइयां ही उड़ गईं, क्योंकि वही मोनिका थी जिसकी मौत आज से 5 साल पहले हुई थी। ये कैसे मुमकिन है, वही शक्ल, वैसा ही सुडौल बदन, हूबहू नैन नक्श, ये पक्का मोनिका ही है या फिर उसका भूत, ये आज क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी आदर्श की पत्नी ने आदर्श को झकझोरते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि अपना काम ठीक से करे, तनख्वाह हम काम देख कर ही बढ़ाएंगे। इतना कहकर आदर्श उल्टे पांव सीधा सोने को चल दिया। रात अभी गहरी हुई थी कि अपनी पत्नी को सोता देख आदर्श सीधा मोनिका के कमरे में चला गया।
और उसे उठाते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? सच सच बताओ कौन हो, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। साहब, पुलिस को तो मैं भी बुला सकती हूँ। रात के 2 बजे तुम एक नौकरानी के कमरे में क्या कर रहे हो? उसकी इज्जत लूटने आए हो क्या? अगर अभी मैं अपने कपड़े फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर दूं, तो तुम बर्बाद हो जाओगे मिस्टर आदर्श। मोनिका की बात सुन आदर्श तंग रह गया। वो वापस ही उल्टे पैर जाने को ही हुआ था कि तभी मोनिका ने आदर्श का हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसके जिस्म को सहलाने लगी। इस पर आदर्श बोला, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। तुम एक घटिया लड़की हो जो मुझे बर्बाद करना चाहती है। मैं एक घटिया लड़की हूँ? मैं? मिस्टर आदर्श, 5 साल में तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? तुम भूल गए क्या, जो कार मुझे कुचल कर गई थी उस कार के ड्राइवर तुम थे आदर्श। तुमने बीच सड़क पर मुझे खड़ा कर दिया और फोन लेने के बहाने कार में गए और उसे स्टार्ट कर मुझे कुचल कर मार दिया। 3 साल मेरे साथ लिव इन में रहने के बाद जब तुम्हारा मन भर गया तो तुमने मुझे रास्ते से हटाने का ये रास्ता चुना। एक बार बोल देते मैं तुम्हें खुद ही छोड़ देती। मोनिका की बातें सुन आदर्श के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो अपना ही सच सुन कांपने लगा था। तुम झूठ बोल रही हो मोनिका, एक्सीडेंट के बाद मैंने खुद तुम्हारी सांसें चेक करी थी, तुम तो मर चुकी थी। तभी मैंने तुम्हारी लाश को खाई से नीचे फेंका था। हाँ, तो मैंने कब कहा था कि मैं जिंदा हूँ? एक नहीं बल्कि 2-2 बार तुमने मुझे अपनी गाड़ी से कुचला है। भूल गए क्या, आज रात जिस लड़की को अपनी कार से कुचल कर तुम आ रहे हो वो भी मैं ही थी। इतना कहकर मोनिका ने आदर्श को खुद से दूर किया और देखते ही देखते अपने आप उसका चेहरा भी खून से लथपथ हो गया। खून से भीगा चेहरा ठीक उसी लड़की के जैसा था जो आते वक्त आदर्श ने देखा था। मतलब कि मोनिका का साथी, उसे ये भी यकीन हो गया था कि मोनिका जिंदा नहीं बल्कि मर चुकी है और अब वो उससे बदला लेने आई है। आदर्श की आंखों में डर साफ झलक रहा था जिसे भांप मोनिका ने कहा, डर मत, तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। पहले तेरा होने वाला बच्चा मरेगा, फिर तेरी पत्नी और आखिर में तू। पर मेरे के की सजा तुम मेरे परिवार को क्यों देना चाहती हो? भला उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, तो फिर एक काम कर, तो रोज मुझे अपने शरीर का एक एक हिस्सा काट कर दे, तब मैं तेरे परिवार को छोड़ सकती हूँ। मोनिका की बात सुन आदर्श गुस्से में आ गया। उसने तुरंत कहा, ये क्या बकवास कर रही तू? कल भी मेरे लिए कुछ नहीं थी तू और आज भी मेरे लिए कुछ नहीं है। तुझे क्या लगा था 3 साल तेरे साथ रहने से मैं हमेशा के लिए तुझे अपने सर पर बिठा लूंगा? मैं करोड़पति खानदान का रईस हूँ और तू एक एनजीओ में काम करने वाली मामूली सी लड़की। थोड़ा सा हाथ से बोल, 3 साल साथ क्या रह लिए, तुझे मैं गले ही पड़ गई? अरे तेरे जैसी को मैं रोज कौड़ियों के भाव खरीदता हूँ, समझी ना? मैं भी जानता हूँ तेरे जैसी जिद्दी आत्माओं के होश कैसे ठिकाने लगाए जाते। रुक, अभी किसी तांत्रिक को बुला के तुझे ठीक करता हूँ। आदर्श मोनिका की आत्मा को थमका कर कमरे से बाहर आया ही था कि उसने जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सर के ऊपर उसकी पत्नी हवा में बेहोश झूल रही थी और उसके साथ में मोनिका भी, जो उसकी पत्नी के जिस्म से मांस का लोथड़ा बीच आदर्श के ऊपर फेंक रही थी। वो पहले से बहुत खूंखार और डरावनी हो गई थी। अपनी पत्नी की हालत देख उसके होश उड़ गए। वो वहीं अपनी पत्नी को बचाने के लिए मोनिका की आत्मा के सामने किड़किड़ाने लगा था। मोनिका प्लीज मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो माँ बनने वाली है। तुम जो बोलोगी जैसा बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हुआ, पर मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? अगर मैं मर गया तो मेरी सारी जायदाद अमेरिका की किसी एनजीओ में दान चली जाएगी, मेरा खानदान हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है तुझे अपने सामने गिड़गिड़ाता देख, तो चलते एक काम कर, मैं बस तुझे बर्बाद और तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। तो खुद को पागल खाने में पागल साबित कर और पागल खाने में भर्ती हो जाओ, जिससे तुझे तड़पता देख मुझे सुकून भी मिलेगा
और तेरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। बोल, कर पाएगा? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं भी पागलखाने में जाकर भर्ती हो जाऊंगा, पर मेरे जाने के बाद तुम मेरे परिवार को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना? वादा करो मुझसे। ठीक है, मैं तेरे परिवार को कुछ नहीं करूंगी, पर तेरा परिवार तभी तक सुरक्षित है जब तक कि तू अपना मुंह नहीं खोलता, समझा? मोनिका के सवाल पर आदर्श चुप हो गया। शायद उसके मन में कुछ प्लान चल रहा था, जिसे भांप मोनिका बोली, तेरी नियत पर मुझे यकीन नहीं। एक काम कर, एक कागज पर अपना बयान लिख कि तू पागल है और तुझे पागल खाने में ही रखा जाए, जिसके बाद तेरी सारी जायदाद तेरी पत्नी और बच्चे को मिले और तू किसी पागल खाने के कोने में सड़ता रहे। मोनिका के कहने पर आदर्श की हवाएं उड़ गईं। वह अभी भी धोखा देने की सोच रहा था, पर मोनिका भी बिना वक्त गवाए आदर्श की पत्नी कनिका का गला दबाने लगी, जिसके दर्द से कनिका नींद में तड़पने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। कनिका की हर दबती सांस के साथ आदर्श की सोच उसका साथ छोड़ रही थी, पर इससे पहले कनिका अपनी आखिरी सांस छोड़ पाती, आदर्श ने भारी मन से पैन उठाया और अपना बयान लिख नीचे दस्तखत कर दिए और अगली सुबह पागल खाने में जाकर भर्ती हो गया। उसकी पत्नी कनिका ने उससे लाखों बार पूछा, पर हर बार वो किसी पागल की तरह जवाब दे सवाल को नकार देता। आज आदर्श को पागल खाने में रहते हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसने कभी किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोला और अब वो पागलों के बीच रहे आधा पागल हो चुका है कि फिर एक दिन चपरासी उसे कमरे में ले गया और बोला कि उससे मिलने 2 लोग आए हैं। चपरासी अभी कमरे से बाहर जाने को ही हुआ था कि कमरे में 2 औरतें अंदर आईं, जिन्हें वो पहले से जानता था। इस पर आदर्श ने हंसते हुए चपरासी से कहा, अरे दोनों एक ही आई मुझसे मिलने, दूसरी तो सिर्फ एक आत्मा है। आदर्श की बात सुन चपरासी ने उसे दुत्कारते हुए कहा, चुप साले पागल, जिंदा लोगों को मुर्दा बताता रहता है। चपरासी की बात सुन आदर्श एक पल को चौंक गया था, पर इससे पहले वो अपनी पत्नी कनिका को देख खुश हो पाता, मोनिका ने हंसते हुए कहा, ठीक ही तो कह रहा है चपरासी, मैं मरी नहीं जिंदा हूँ। कनिका और मोनिका आदर्श से ही मिलने आई थी। हाँ, ये जिंदा है आदर्श, और ये तब भी जिंदा थी जब तुमने इसे अपनी कार से कुचलकर खाई में फेंक दिया था, और वो गिरी नहीं थी। वो तो बस तुम्हारी किस्मत खराब है, या शायद मेरी बहन की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, क्योंकि जब तुम इसे गाड़ी से कुचल रहे थे तब उस रास्ते से मैं भी गुजर रही थी, तब मैंने अपनी बहन को बचा लिया था। वो एक्सीडेंट में तुमको बेवकूफ बनाना, हवा में उड़ना, खून से लथपथ होना, ये सब एक सोची समझी साजिश थी, एक झूठ था, ठीक तुम्हारे होने वाले बच्चे की तरह, ताकि तुम अपना मानसिक संतुलन खो दो। और हाँ, तुम जिस खानदानी रईसी की बात कर रहे हो, वो अब मेरी बहन के नाम हो चुकी है, वो भी मेरी तरह अनाथ है, और हम दोनों उसी एनजीओ की हैं, जहाँ तुम जैसे अमीर लोग अपनी झूठी शान और दरिया दिली दिखाने आते हैं। बड़ा अजीब है ना मिस्टर आदर्श, जब तुम अमीर थे तब तुम बेवकूफ थे, लेकिन आज जब तुम कुछ भी नहीं हो तो एक पागल बन गए हो। मोनिका की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि कनिका ने अपने पर्स की मिठाई निकाल आदर्श के मुंह में ठूंसते हुए कहा, लो इसी बात पर ये मिठाई खाओ, ये वही मिठाई है जिसमें ड्रग्स मिलाकर मैं धीरे धीरे तुम्हें पागल बनाती आई हूँ। आदर्श किसी बुत की तरह ये सब सुनते जा रहा था। उसके किए की सजा उसे इस तरह मिलेगी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस रईसी का घमंड से सारी जिंदगी रहा, उसी के चक्कर में आज उसकी हालत हो गई थी। सारी कहानी जान आदर्श अब जोर जोर से हंसने लगा था, अपने बाल नोचने लगा था। ये ड्रग्स का असर था या फिर वो सच में पागल हो गया था, पता नहीं, लेकिन उसकी हंसी कमरे के बाहर तक गूंज रही थी। तभी मोनिका ने आदर्श से बस इतना पूछा, आदर्श तुम्हें याद है जब तुम्हें अपनी रात रंगीन करनी होती थी तो तुम मुझे क्या कहकर बुलाते थे? इतना कह कनिका और मोनिका
दोनों वापस जाने को मुड़े ही थे तभी आदर्श ने जोर से चीखते हुए कहा, मोनिका, ओ माय डार्लिंग। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।